सीबीएसई क्लास 9 मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 13 सरफेस एरिया ऑफ वॉल्यूम एक्सरसाइज 13.1। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, प्लास्टिक बॉक्स 1.5 मीटर लॉन्ग, 1.25 मीटर वाइड एंड 65 सेंटीमीटर डीप इज टू बी मेड। इट इज ओपन एट द टॉप, इग्नोरिंग द थिकनेस ऑफ द प्लास्टिक शीट एंड डिटरमाइन। वो बता रहे कि प्लास्टिक बॉक्स है जो 1.5 मीटर लंबा है, लॉन्ग है, और 1.25 वाइड यानी चौड़ा है, और डीप उसका 65 सेंटीमीटर डीप है। उसमें उससे बताना है, बना हुआ है वो जो बॉक्स, इट इज ओपन एट द टॉप, ऊपर से खुला हुआ है जैसा बॉक्स होता है हमारा उस तरह। इग्नोरिंग थिकनेस, उसकी जो मोटापन है, जाड़ापन है, उसको इग्नोर करना है, ऑफ द प्लास्टिक शीट एंड डिटरमाइन। नीचे दो क्वेश्चन पूछे गए हमें, द एरिया ऑफ द शीट रिक्वायर फॉर मेकिंग द बॉक्स, एरिया ऑफ द शीट रिक्वायर फॉर द मेकिंग द बॉक्स, बॉक्स बनाने के लिए कितना एरिया लगेगा, द कॉस्ट ऑफ द शीट फॉर इट, इज इफ अ शीट मेजरिंग 1 मीटर स्क्वायर कॉस्ट ₹10। 1 मीटर की उन्होंने शीट के जो रेट बताए वो 20 रूपीज पर 1 मीटर के 20 रूपीज है, तो कितना शीट के लिए एरिया लगता है, कितना वो शीट लगती है, उसको हम 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे। चलिए जो गिवन हमें दिया गया है पहले हम वो राइट करते हैं आंसर में। तो सबसे पहले हम लिखते हैं गिवन में, एग्जाम में आपको इसी तरह लिखना है गिवन, आपको क्या क्या दिया गया, लेंथ, लेंथ के लिए हम एल डिनोट करते हैं, एल इज इक्वल टू 1.5 सेंटीमीटर, सॉरी मीटर है, मीटर, और उसकी ब्रीथ, ब्रीथ को हम बी से डिनोट करते हैं, ब्रीथ दी गई आपको 1.25 मीटर, और उसकी डीप्थ यानी हाइट, डीप्थ 65 सेंटीमीटर देवाए। अगर हम इसको मीटर में कन्वर्ट करना है तो आपको पता है 100 से हम इसे क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना हो जाएगा ये 0.65 मीटर। सभी यूनिट मीटर में देवे इसलिए हमने सभी को मीटर में कन्वर्ट कर दिया। अब जो फर्स्ट क्वेश्चन हमें पूछा गया, क्या पूछा गया, एरिया ऑफ द शीट रिक्वायर टू मेकिंग द बॉक्स ओपन यानी एट द टॉप। उन्होंने एक हमें हिंट दे दी है कि टॉप में वो ओपन है, इसीलिए हम एक काम करेंगे, एरिया ऑफ द शीट रिक्वायर फॉर मेकिंग बॉक्स, इस तरह आपको राइट करना है, एरिया ऑफ शीट रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग द बॉक्स ओपन एट द टॉप। तो इसके लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे, देखिए एक बॉक्स है जो ऊपर से खुला है, हमें उसके 5 साइड लेना पड़ेंगी, तो इसके लिए फॉर्मूला इस तरह बनेगा, 2 (in brackets) उसकी जो ब्रिथ रहेंगी वो 2 टाइम रहेंगी, हाइट 2 टाइम रहेंगी प्लस, और फिर हाइट और उसकी लेंथ, और इनटू एल इनटू बी, इस तरह फार्मूला हम, जब अगर कोई बॉक्स है और उसका जो टॉप अप है तो इस तरह के हम फार्मूला बनाएंगे, ब्रिथ उसकी 2 बार आ जाएंगी, हाइट भी उसकी 2 बार आ जाएंगी, और हाइट 2 बार आ जाएंगी, लेंथ 2 बार आ जाएंगी, और इनटू एल इनटू बी से हम उसको ये करेंगे। वैल्यू हमें पुट करनी है इसमें, 2 ब्रिथ जो दी हुई है कितनी है, 1.25 इंटू हाइट कितनी दी हुई है उसकी, 0.65 प्लस अगेन 0.65 इंटू, और उसकी जो ब्रिथ दी हुई है 1.5 सॉरी लेंथ राइट करना है हमें, उसकी जो लेंथ दी हुई है 1.5 ब्रैकेट कंप्लीट इनटू लेंथ अगेन फिर से राइट करने में 1.5 इनटू उसकी ब्रीथ, वैल्यू पुट करनी है इसमें 1.25। देखिए अब ये इन दोनों का पहले मल्टीप्लीकेशन हम कर लेते हैं, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, तो मैं इसे राइट करता हूं 2 इनटू, इन दोनों का अगर मल्टीप्लीकेशन आप करते हैं तो आप आएगा 0.8125 प्लस, और इन दोनों का अगर तुम मल्टीप्लीकेशन करते हो
तो उसका आएगा 0.9750 और इन्हें मैं ब्रैकेट में डाल देता हूँ सबसे अच्छा, फिर हमें सॉल्व करने में इजी आएगा इनटू, और इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करते तो हमें आंसर मिलेगा 1875। अब बाजू में करके देख लो वो समझ में आएगा आपके, 2 इंटू इनकी अगर आप एडिशन करते हो, इनकी आप एडिशन करते हो इन दोनों की अगर आप एडिशन करते हो तो आपको सिंपली मिल जाएगा 2 इंटू इन दोनों की एडिशन आ जाएंगी 1.7875 और यहां पर हमें इसे ऐड करना पड़ेगा, यहां पर ऐड कीजिए इसे प्लस 1.879। जब आप इन दोनों का एडिशन करोगे समथिंग तो आपके पास में जो वैल्यू मिलेंगी, तो पहले इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन कर लेते हम, इज इक्वल टू 3.575 और प्लस 1.879। मैंने साइड में कर लिया इसका जो कैलकुलेशन था, आप भी करके देख सकते हो, और इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 5.45 मीटर स्क्वायर। आप करके देख लो, आपको आंसर यही मिलेगा 45 मीटर स्क्वायर। तो सिंपली इससे पता लगता है हमें कि जो फर्स्ट का जो आंसर था फर्स्ट क्वेश्चन का, तो हमने ये अचीव करे। चलिए सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द कॉस्ट ऑफ शीट फॉर, हमने तो एरिया तो फाइंड कर चुके हैं उसका, अब उसे एरिया हमारा जो आया हुआ है कितना आया एरिया जो फर्स्ट क्वेश्चन था हमारा शीट का, वो 5.45 मीटर स्क्वायर, ये हमारा जो पहला आंसर है हमारा, ये हमने अचीव करा हुआ है। अभी 1 मीटर स्क्वायर का इतना देवा है सीजन द कॉन्वर्टर, तो ₹200 देवा है, तो कॉस्ट ऑफ हमें देखना है, तो सिंपली हम क्या करेंगे 20 × ₹20 से जो आंसर हमें मिला था 5.45 मीटर स्क्वायर को हम इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आपको पता है जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो रुपीज आपका के बाद साइड से करके 109 इसका आंसर हमें मिलता है। तो सिंपली दो क्वेश्चन पूछे गए थे हमें। अगर ये हमारा वीडियो आपको पसंद आया प्लीज इसे सब्सक्राइब कीजिए।